स्वामी विवेकानंद ने कहा है, हर किसी के जीवन में सुख दुख तो आता रहता है, कभी सुख तो कभी दुख, लेकिन हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। खुशी के साथ किया गया कार्य जीवन में जीने की प्रेरणा देता है। जीवन में हमेशा ऐसे कार्य करें जिसे करने की आपकी इच्छा होती है। इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य हमेशा इंसान के मन में चिंता का भाव उत्पन्न करता है। जो इंसान के लिए सही नहीं होता वो हर किसी कंडीशन में नहीं करना चाहिए। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परंतु हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। जीवन में खुश रहने के लिए हमेशा सही और गलत का चुनाव करना चाहिए। जो इंसान सही या गलत का चुनाव नहीं करता वह कभी खुश नहीं रह सकता। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जिंदगी को खुश रहकर जिया करो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज जी नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। जरूरत नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें, आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर वह वजह खुश रहने का मजा कुछ और है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, लोगों को हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढनी चाहिए। खुशी की तलाश दुख के सबसे बड़े कारणों में से एक है। खुशी और गम एक दूसरे के समांतर चलते हैं। जब एक शांत होता है तो दूसरा भी शिथिल पड़ जाता है। तुम कभी खुश नहीं रहोगे, तुम लगातार तलाशते रहोगे किसी खुशी में है क्या, तुम कभी न जी पाओगे यदि तुम जीवन का अर्थ तलाशते रहोगे। मूर्ख व्यक्ति दूर दूर तक खुशी तलाशता था, ज्ञानी बिना कुछ करे ही उसे पा लेता है। उतार और चढ़ाव, जीत और हार, खुशी और गम, ये सबसे बेहतरीन जिंदगी है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। जीवन में केवल एक खुशी है, प्यार करना और प्यार पाना। किसी और को खुश करने के प्रयास का उत्पाद खुशी है। सारी खुशी या दुख पूरी तरह से एक पर निर्भर करता है। जिस चीज़ से हम प्रेम पूर्वक जुड़े हैं वह इस प्रकार की है। आप एक घंटे की खुशी चाहते हैं तो एक झपकी ले लें। यदि आप एक दिन की खुशी चाहते हैं तो मछली पकड़ने चले जाएं। यदि आप एक साल की खुशी चाहते हैं तो संपत्ति वारिस बन जाए। यदि आप जीवन भर खुशी चाहते हैं तो किसी और की मदद करें। आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहना, आज़ादी और बेतुकल्फी से जीना, एक अच्छा पारिवारिक जीवन और अच्छा दोस्त होना ही खुशी है। जिस चीज़ पर हम भरोसा करते हैं उससे उलट काम करता है तो खुशी नहीं मिल सकती। खुशी सांस का एक रूप है। जिंदगी आप सभी के लिए हमेशा दर्द लेकर आएगी। आपकी जिम्मेदारी है उससे खुशी पैदा करना। खुशी का रहस्य वह नहीं जो तुम पसंद करते हो, बल्कि वह है जो जिसे भी पसंद करता है तो मुझे पसंद करते हो। यदि आप अपना पूरा जीवन तूफान के इंतजार में बिताते हैं तो आप कभी भी धूप का आनंद नहीं ले सकते। खुशी देने में और दूसरों की सेवा करने में शामिल है। खुद को महत्व देना सीखें, जिसका अर्थ है अपनी खुशी के लिए लड़ें। खुशी अपने भीतर से ही खिलती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, खुशी का असली राज रोजमर्रा की जिंदगी की हर चीज में से सच में दिलचस्पी लेने में है। खुशी उपलब्धि पाने के उत्साह और रचनात्मक प्रयास के रोमांच में निहित है। आपको छोड़कर कोई भी आपकी खुशी के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए आपके पास अपने या अपने जीवन में कुछ भी बदलने की शक्ति है जिसे आप बदलना चाहते हैं। खुशी मानो त्रासदी से ध्यान भटकाना है। आप खुशी को खुशी से बचाए बिना दुख से नहीं बचा सकते। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरो और उस काम को ना छोड़ो। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला उसको चाहना प्रसन्नता है। जीवन खुशियों
और आंसुओं से भरा है। मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, खुशी एक फूल से सुगंधित की तरह विकीर्ण करती है और सभी अच्छी चीज़ों को आपकी ओर खींचती है। जिंदगी में अगर खुशी चाहिए तो पैसों को जेब में रखना, दिमाग में नहीं। प्रसन्नता कभी भी पर्याप्त नहीं होती जब तक आप स्वयं न चाहें। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहे कि तुम नहीं कर सकते। आप दूसरों को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुश न हो। अपने साथियों द्वारा प्यार किए जाने और ये महसूस किए जाने कि आपका होना उनके सुख में इजाफा है, इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। खुशी वह उत्साह है जिसे शांत हो जाने की एक जगह मिल गई, लेकिन वह हमेशा एक छोटा कोना होता है जो लगातार फड़फड़ाता रहता है। लोग कहते हैं कि पैसा खुशियों की चाबी नहीं है, पर मैंने हमेशा पाया है यदि आपके पास पैसा है तो आप एक चाबी बनवा सकते हैं। पैसा आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन वो दुख को कुछ सुखद रूप में अनुभव कर सकता है। कभी कभी मित्रता भी होते हैं जो आपको कम या ज़्यादा प्रतिफल देती है। ऐसी मित्रता कभी आप खुशी से नहीं करेंगे। यदि आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि कोई और क्या करता है, तो मेरा मानना है कि आपको कोई समस्या नहीं है। जैसे एक सचेत मार्कर अपने सभी पैसे एक जगह नहीं निवेश करता, उसी तरह बुद्धिमत्ता भी शायद हमें ये चेतावनी देती है कि हम अपनी सारी खुशियों को किसी एक जगह से पाने की अपेक्षा न करें। जो चाहा वो मिल जाए सफलता है, जो मिला था को चाहना प्रसन्नता है। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो भी कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, ये जिंदगी भी ढलती है। मैं निकला खुशी की तलाश में, रास्ते में खड़े दुखों ने कहा, हमें साथ लिए बिना सुखों का पता नहीं मिलता जनाब। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो समा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की ये कुछ अल्फाज थे जो आपके जीवन में प्रकाश की तरह कार्य कर सकते हैं। अगर जीवन में आप दुखी हो, अप्रसन्न हो, तो कभी भी अपने कार्य से दुखी ना हो और दूसरों की निंदा ना करें। अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और लगन से करते रहिए। दुख के बाद खुशी मिलती है, रात के बाद सवेरा आता है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फायदा हुआ हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आती रहेगी। राम राम दोस्तों।